देख रहे हैं VS Nation, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS Nation में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अक्सर डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं, मगर ऐसे भगवान आज ढूंढने पड़ते हैं। वैसे ही तालुका में अगर ऐसे भगवान हम माने तो वो हैं डॉक्टर रमेश सी भंचोड़े, जो कि पिछले 42 वर्षों से वसई करों की सेवा कर रहे हैं, और वो भी एकदम नाम मात्र पैसों में। आज भी इनके यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं जो बयां करती हैं ये डॉक्टर वाकई भगवान का रूप है, और यही असल में वसई के गौरव भी हैं। तो अभी VS Nation जो चैनल है वसई सत्ता, आपको नॉमिनेट किया है बेस्ट डॉक्टर के हिसाब से यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। कोविड के काम के कारण तो बहुत लोगों ने सम्मान करने का सोचा, अलग अलग ग्रुप रहे यहाँ पे, जैसा भारतीय केरला समाजम या बसंत केरला समाजम बोलते हैं उनको, BKS करके, तो उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। नहीं नहीं नहीं, इतना सालों से तो डॉक्टर हमारे लिए काम करते रहे, उसके सिवा ये कोविड में तो ज़्यादा ही मदद की है उन्होंने, तो उन्होंने भी ये सम्मान करने का सोचा। भंचोड़े सर, आप कब से हैं वसई में और कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1981 से, मार्च। तो कैसे वसई में कैसे आना हुआ? और वसई में इसके पहले 75 से आ गया था मैं। 75 पास होने के बाद मैं पूरा ठाणे जिला में काम कर रहा था, तो वसई भी उसका ही एक भाग बनता है, तो यहाँ पे भी कुछ सेवा देने के लिए आ जाता था मैं। उस समय तो ये पुरानी वसई थी बहुत, रेलवे क्रॉस करके घोड़ा गाड़ी भी पकड़नी पड़ती थी। तो किस तरह आप इतना कम पैसे में इलाज करते रहे और आज भी कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, तो कैसे कर पाते हैं? जबकि आजकल डॉक्टरों को लूटने वाला भी बोलते हैं लोग, तो आप आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? अपना पेट तो भगवान भरेगा, वही सोच के शुरू कर दिया था। यहाँ पे 81 में जब आया, 8 आना रुपया 2 रुपया इसी फीस के ऊपर चालू कर दिया था। ऐसे तो 2 साल निकाले मैंने, और बैंक से भी कर्जा उठाया था, तो भी कर्जे के भी पैसे निकल जाते थे, कम तो कम, लेकिन कुछ चिंता नहीं थी। भगवान है देखने को तो सब हो जाता था, कभी चिंता नहीं थी। तो किस तरह के ज़्यादा पेशेंट आप देखते रहते हैं? पेशेंट तो अलग अलग तरीके के रहे, लेकिन ज़्यादा करके इन्फेक्शियस डिसीजन के बोलते बीमारियाँ जो एपिडेमिक जैसे फैलती है, उसमें मैं ज़्यादा काम करते रहे, और इसी के कारण पूरा ठाणे जिला में मैं फेमस था उसके लिए, कि जिसके कारण डायरेक्टर्स के साथ या आरोग्य मंत्रियों के साथ भी मेरी बातें होती थी, बैठ के हम प्रोग्राम बनाते थे। जैसा अभी डेंगू का डर रहता है या अभी इसके फ्लू के जो केसेस रहते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि उससे पहले तो मैं 75 से जब बोला पास हुआ, तो पहली बार तो ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की जो पर निर्वासित जो आ गए, वो निर्वासित के साथ में कुछ बीमारियां आ गई अपने पास, तो कुछ बीमारियां आने के बाद में जिसका एपिडेमिक बोलते वो स्किन डिसीज़ का था, जैसे कि जिसको स्केबीज वगैरह बोलते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता, और उसी के ऊपर मुझे काम करना पड़ा। पूरा गवर्नमेंट के पास भी उसके ऊपर इसको कैसे रोकने का उसके बारे में पता नहीं था, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी, तो दवाइयाँ मैंने खुद बनाना चालू कर दी थी। मैंने ही लोगों को मदद लेके कि दवा कैसे बनानी है, कैसे लगानी है रुग्णों को वगैरह, और ये नाम होते होते मेरा यहाँ तक गया कि शरद पवार जी भी खुद मिलने के लिए आए। शरद पवार जी आए तो उनके साथ में पूरे उनका आरोग्य मंत्रिमंडल रहता है, वो सब साथ में थे, उन्होंने देखा दवाइयाँ कैसे बना रहे, दवाइयाँ कैसे असर कर रही, मैं लोगों के साथ कैसे रिएक्ट हो रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, ये बीमारी में स्वच्छता का महत्व कैसा है, कपड़े स्वच्छ रखने कैसे, बीमारी जैसा मैं तो यहाँ तक बताता था कि इसको एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं, एजुकेशन है इसलिए आप समझ सकते हैं, और जिसको एजुकेशन नहीं वो समझ सकता, ऐसा नहीं। मैं तो यहाँ तक बता देता हूँ, देखो ये जू है, ये पढ़ा लिखा आदमी भी उसको जू बोलता है, नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी जू बोलता है, तो उसको मालूम होना यही ज़रूरी है कि ये जू के कारण ये पूरी बीमारी होगी, जू जो है चमड़ी के अंदर अंदर घुस गई और उसके कारण ये इसके भी जैसी बीमारी होगी। तो ये सब जो सिखा रहा था वो भी देख के उनको आश्चर्य लगा, क्योंकि गाँव में जाके मैं ये कर रहा था, यहाँ पे पूरा ठाणे जिला में ऐसी जगह पे मतलब दिन में 400-500 पेशेंट्स देखने के, 200-300 लोगों को इंजेक्शन तक देने के, पूरा स्टाफ के मदद लेके मैं कर रहा था वो, ये सब शुरुआत थी मेरी।
क्या क्या काम होते हैं, और उस वो होते होते ही बस यहीं तक पहुँच गया IT1 में। कोविड में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कोविड तो इतना आह्वानात्मक था मेरे लिए कि एक तो बीमारी को हम जानते ही नहीं थे, बीमारी मानने को भी लोग तैयार नहीं थे। तो पहले तो मुझे यहाँ तक समझाना पड़ रहा था लोगों को कि बीमारी है, सच है ये, कि जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं ये सब अफवाह फैला रहे हैं, दवाइयाँ बांटना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं इसी की वजह से। तो नहीं, फिर बाद में तो हर एक का जवाब तो यह आता था कि इसके ऊपर इलाज ही नहीं है, तो लोग डर जाते थे, डर के बारे में मृत्यु हो जाते थे। तो पहले लोगों को समझा के डर से बाहर निकालना जरूरी है, तो वही काम मैं निकालू करता हूँ। और उसके लिए जरूर पड़े तो महीने में एक दो बार मैं पेपर के साथ भी कुछ आर्टिकल्स लिखना वगैरह वो भी चालू कर दी। यहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह जो तो बोले कि ऐसा काम करने से अच्छा रहेगा, हमारे पास देते रहो तो ये करते रहो। और उसके सिवा मैं खुद के पोस्टर्स वगैरह बनाने तक कर दिए, फिर मेरे डॉक्टर लोगों को भी जितना मदद करके जो खड़े रह सके। एक तो बात यहाँ तक आ गई थी, देखा कोरोना जैसे चालू हो गया वैसे ही यहाँ के डॉक्टर लोग भी दवा खाने वगैरह छोड़ के चले गए, मतलब यहाँ कोई दवा पानी करने को ही तैयार नहीं थे। सरकार ने उसमें ध्यान दे के डॉक्टरों को वापस बुलाए, उसको तो काफ़ी समय चला गया। और लोगों ने ये भी देखा कि इनको इलाज भी मालूम है और ये डर भी आपका निकाल रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास तो लाइनें लगती रही उम्र के हिसाब से। तो मैं सोच रहा था उस समय से कि अभी काम कम कर दूँ, और ये कोविड के कारण तो सब उल्टा हो गया। उसमें तो मुझे दो दो घंटे बढ़ाने पड़े। अभी दवा खाने का टाइम पहले से मेरा 9 से 12 रहता था, तो 8 से बैठना पड़ता था, बाद में 12 के बाद 2-2 बजे तक बैठना पड़ता था, फिर वापस 4 बजे आके फिर काम चालू कर दो, फिर रात हो जाती थी तो 10-10 भी हो जाते थे। और इसमें इतना केयर लेना जरूरी रहता था कि संपर्क एक दूसरे के साथ कैसा रहे, इन्फेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा नहीं फैले वगैरह, तो वो जैसा बताना भी ज़रूरी था, वैसा लोगों में शिस्त रखना भी ज़रूरी था। तो उनकी लाइनें लगानी रहती थी, तो लाइन भी लंबी लंबी लगती थी, वो आज तक लोगों के दिमाग में इतना है और इतना भी नहीं। जैसे कि अपना ये गूगल कहता है, तो गूगल के बादलों को भी मालूम था कि डॉक्टर नज़र आने तक आधा एक घंटा चला जाता है, कभी कभी 1.5 घंटा चला जाता है उनकी मुलाकात होते हुए। तो यहाँ तक काम रहता था कोविड का वगैरह। कभी ऐसा नहीं लगा आपने कि इतने सालों से आप कर रहे हैं कि अपना खुद का बड़ा हॉस्पिटल हो? ऐसा खुद का बड़ा हॉस्पिटल तो एक तो सपना रहता है, वो तो मेरा भी सपना शुरू से था। और ये मेरा खुद का भी सपना नहीं था, मेरे सपने देखने वाले मेरे और डॉक्टर भी थे, जैसे गुरु बोलने के वो भी थे। यहाँ तक मेरे गुरु थे कि वो तो सोचते थे अरे ये बंदा इतना होशियार है, इसको हमारे पास लेने का, चलो ये करने का, रेडियोलॉजी करो मेरे पास आओ, सर्जरी करो मेरे पास आओ, मेडिसिन करो मेरे पास आओ। लेकिन कुछ पता नहीं नसीब में क्या था करके पिताजी चल बसे मेरे। जैसे ही मैं फर्स्ट MBBS में था, 6 महीने गुजर गए और उनकी सेवा करते करते वो तो बच्चे भी चल गए। फिर बाद में तो कैसे वैसे मैं इसी सेवा में जुटा रहा, और इसी के कारण MBBS खोने के बाद तुरंत पहले सरकारी नौकरियां करते करते 5 साल ऐसे ही थाने जिला में निकाले, MBBS पूरा किया। और उसके बाद में ही जैसे ही मौका मिले शिक्षण लेने में, तो बहुत ही था मेरा शिक्षण लेते समय मैंने यहाँ तक भी किया कि आगे जाके 2000 के आसपास मैंने अगली डिग्री जो रहती है वो दिल्ली से मिलती है, जिसको DNB करके जो बोलते हैं डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, उसका ये आधा पार्ट पहला कोर्स रहता है, उसको FCGP करके बोलते हैं। तो वो भी मैंने कि मेरे साथ यहाँ पे एक ही मेरा कलीग था, हम दोनों मिल के यहाँ पे कर दिए। तो आज जो सिनेरियो बदल गया, पहले भगवान बोलते थे, आज थोड़ा सा चेंज हो गया, तो पता है तो क्या मानते हैं उसको, मतलब ये लोगों का क्या मतलब लूट के कारण ऐसा हो गया? आज भी मेरे दोस्त हैं और आज भी मेरी राय है ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल से ही मैं एक आर्टिकल लिखने लिया था, और उसमें मैं यही कहा था कि 80 या 90% लोग या रुग्ण जो है आज भी डॉक्टर को भगवान मानते हैं, उसमें से 10% तो ऐसे है अरे नहीं वो तो भगवान ही है, सुपर भगवान है ऐसे, मतलब बाकी बचे हुए लोगों से भी इतने मानते हैं कि इनके पाँव पड़ो, इनको कुछ अच्छी जगह पर रखो ऐसा। और बाकी के 80% जो है वो सामान्य रूप से पहचानते हैं कि नहीं ये भगवान के रूप है और हमको बचाते हैं। रहा सवाल खाली 10% का, उसमें जो उनको मैं बोलता हूँ कि उनको दिमाग नहीं, उनको जैसे बहकाने वाला है तो बहक जाते हैं,
नहीं, अभी अभी आप देखें ना कि आज एक छोटा सा कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, गलती से चला गया तो सीधा समझ लो 10-20-25 हज़ार का बिल तो पहले दिन ही बन जाता है, तो उतना तो ज़रूरी नहीं होता मैं समझता हूँ। नहीं, उसके कुछ कारण हैं, ये समझ लेना है, ये सब्जेक्ट जो है ना मेडिकल का वगैरह, मेडिकल के खर्चे तो बहुत ही है सोचेंगे तो, लेकिन जिसको अत्यावश्यक बोलते हैं उसी हिसाब से करना उसका ज़रूरी है। अभी अत्यावश्यक में गवर्नमेंट के पास भी हमारी मांगे, रुग्णों की मांगे, लोगों की मांगे ऐसी रहती है कि ये दवाइयाँ थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। जैसे कि कैंसर के इलाज में, तो कैंसर के इलाज तो सस्ते बिल्कुल नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ पे लोग ऐसे है कि जो मदद करने को आगे आते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री ने जन औषधि चालू किया, तो आज फिर भी हर हॉस्पिटल वाला अपना केमिस्ट का दुकान खोलता बाजू में और बोलता यहीं से लो और वही दवाई लिखता है और बाहर की दवाई को ख़राब बताता है। नहीं, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, जन औषधि और ये सरकार भी उसके बारे में यही कहती है, गारंटी नहीं देती है जब दवाई तो बोलती है सेम चीज़ है। नहीं, सेम चीज़ नहीं है वो, और उसका इलाज तो जैसे भी मेरी बेटी भी आपने देखा तो डायबिटीज़ में प्रैक्टिस करती है, मैंने खुद में भी देखा है डायबिटीज़ में प्रैक्टिस करता हूँ। लोगों को हम सख्ती नहीं करते हैं, दवा यहीं से लो या यही लिखा है यही लो, लेकिन उनको कभी कभी मार्गदर्शन करना एक अच्छा रहता है कि दवा एक ही है, 10 कंपनियाँ अलग अलग बनाती है, एक 200 में बेचता है तो दूसरा एकदम 100 में बेचता है या 75 तक भी बेचता है, लेकिन दोनों की दवा बराबर काम करती है, तो आपको चाहे तो 75 वाली दवा ले लो। नहीं, वही बोल रहा हूँ, तो उससे भी सस्ती लेने की कोशिश मत करो। हाँ, उससे भी सस्ती लेने की जब कोशिश करते हैं। ओवरऑल वसई के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वसई आप इतने साल से हैं, जिस तरह न्यू मुंबई की ग्रोथ हुई, बड़ा हो गया, और यहाँ पे उस तरह की ग्रोथ नहीं हुई, आज तक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन पाया एक, तो उसकी क्या मानते हैं आप, कैसा है वसई के बारे में क्या? हॉस्पिटल बनने के लिए तो सरकार से लेकर कुछ इनिशिएटिव तो चाहिए, हर एक में कुछ इच्छा शक्ति चाहिए उसको करने के लिए, पैसा तो फिर आ जाएगा, पैसा तो सबको ना कोई डोनेशन देने वाले आते रहेंगे इसे ही रहते, लेकिन इसके पीछे इच्छा शक्ति वाली ही चाहिए, वो नहीं होते तो ऐसे ही। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ, मुझे याद है कि हम 5 या 6 डॉक्टर थे शुरू में, 75-81 तब कितना चार्ज करते थे आप, 5-10 रुपये? हाँ, 5-10 रुपये चार्ज करते हैं। और आज कितना करते हैं? और उस समय कंसल्टेंट की फ़ी वगैरह भी 40 वगैरह थी, आज मेरी भी फ़ी जो है वो 150 तक दे, एक दिन का जो है दवा के साथ वगैरह कंसल्टिंग वगैरह होता है तो 150 तक जाता है। तो भी आज भी मेरे दिल में जो ये जगह है यहाँ के लोगों को कि जिनको मैं बचपन से देख चुका हूँ, जैसे हमारे राष्ट्रपति वो मुर्मू हो गए, उसके बाद यहाँ के आदिवासियों से मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, और उसी के कारण ये पूरा जो इलाका जो है कि तलासरी डहानू वगैरह मोखाड़ा जो बोलते हैं, जहाँ तक लोग पहुँचते नहीं है, जहाँ तक कि डॉक्टर तो पहुँचना मुश्किल ही रहता है, तो मेरा वो देख के मुझे वहाँ पर देख के वो इतने दौड़ के आते थे, खुशी से आते थे। तो आज भी मेरे पास दवा के लिए मिलने वाले लोग बोलते हैं हमने बचपन से आपके पास दवा किया हुआ है, और वो तो पैसा देने में भी बिल्कुल हिचकिचाते नहीं, उनको पता है उस समय 10 रुपये फी रहती थी, आज 100 हो गए, 100 दे देते हैं, लेकिन मैं भी उनके लिए वही सोचता हूँ कि नहीं, इनके पॉकेट में अभी भी पैसे कम रहते तो मैं कुछ मेरे पास से कुछ दे दूँ करके, और उसी तरह से चलता है और मेरा व्यवहार। एक ही क्लिनिक, आपका एक ही क्लिनिक? एक ही जगह रख के सबको उपलब्ध रहना ज़्यादा अच्छा है करके वही मानता हूँ मैं। कभी कोई चैलेंजिंग पेशेंट भी रहा जिसके साथ आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? हाँ, चैलेंजिंग तो यहाँ पे कोविड केस में भी ऐसे ही केस थे, जैसे एक का एग्जांपल दे दूँगा मैं कि जिसको 30 दिन तक ऑक्सीजन पे रखा था, बाद में 90% उसका लंग्स जो है वो ख़राब हो चुके बोले, और इसके आगे आपकी ज़िंदगी जो है ऑक्सीजन लेके निकालनी है करके उसको बताया गया, और बंदा मेरा पुराना पेशेंट था, उसने सोचा अभी घर पर आ चुका हो, घर पे इलाज करना है, दिन तो निकालने हैं, बंसोरे को बुलाया करो, वो तो पैसे भी कम लेके इलाज कराएंगे मेरे लिए, और मैं जाता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही था इनका ऑक्सीजन बंद कैसे करने का। तो घर पे आने के 15 दिनों के बाद तो मैंने ऑक्सीजन बंद कर दी, मेरे दिमाग में तो ऐसी ऐसी कल्पना थी भगवान जैसा रहता है, जैसे स्टेम सेल्स बोलते हैं, स्टेम सेल्स तो बॉडी में भी रहते हैं या बॉडी में बाहर से भी देते हैं, तो उसकी वजह से नई ऑर्गन की ग्रोथ हो जाती है, डैमेज हो गया है वो भी पूरा रिपेयर हो जाता है, तो लंग्स में ऐसा कुछ होता है क्या? ये कोविड के कारण मेरे दिमाग में बहुत शंका थी, लेकिन यही रुग्ण एक ऐसा अच्छा था कि जिसने मेरे पास आखिर तक किया, जैसे 15 दिन के बाद मैंने ऑक्सीजन उसका निकाल दिया बोला,
और डेढ़ एक महीने के बाद तो वो इतना ठीक हो गया, तो मुझे सर्टिफिकेट दे दो, मैं काम पे जाता हूँ बोलने लगा। फिर धीरे धीरे तो उसका काम पे जाने का जो दूर का था वो साहब को बोल के बोला, नहीं मेरे लिए मैं सर्टिफिकेट लेता हूँ डॉक्टर से वगैरह, मुझे नज़दीक में ट्रांसफ़र दे दो। और वो आज भी उसी में काम कर रहा है, डेढ़ साल हो गए कोविड के बाद, पैसा कमा रहा है खुद, तबीयत एकदम अच्छी है उसकी। आजकल जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ नए डॉक्टर को भी वही बुलाऊंगा कि रुग्णों से दोस्ती रखो, रुग्णों की मदद करने की कोशिश करो। गलत फहमियाँ जो है, गलत फहमियाँ ऐसी ही बढ़ती है, गलतियाँ होने के बाद बढ़ती है, तो गलतियाँ मत करो, गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करो। रुग्णों को जितना भी समझाओगे, शिक्षण दोगे, वो उतने ही आगे बढ़कर वो समझ जाएंगे कि आप गलती नहीं कर रहे हैं। दूसरा भी कोई गलती कर रहा है तो उस गलतियों के ऊपर उंगलियां मत दिखा दो कि उसने गलती की है इसकी वजह से ऐसा हुआ। हम ही खुद की गलतियां दूसरों को दिखाते हैं कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ, ऐसा तो नहीं रहता है। कभी तो हम भी उसी जगह पे हो गए, हमको भी दूसरा कोई बोलेगा अरे ये गलत कर रहा है करके, तो ये नहीं होना चाहिए। आपस आपस में एक अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, रुग्णों के साथ तो दोस्ती की काफ़ी ज़रूरत है। और रुग्णों को तो मैं बोलता हूँ ज्ञान बांटना जो है आरोग्य के बारे में वो काफ़ी ज़रूरत है। वो जब ज्ञान बांटोगे आपको दवा के बिना भी आपकी तबीयत कैसी अच्छी रखनी है, हर समय पैसा दे दो और दवा ले लो ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो जब मालूम होगा तब अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस नेशन से बात करने के लिए। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।